दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीमेल आईडी रिमूव कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन से जीमेल आईडी को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों जीमेल आईडी को रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपके जीमेल आईडी का लोगो दिखाई देगा। हमें यहाँ पर जीमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है। इसके बाद ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस। हमें यहाँ पे मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक करना है। इसके बाद ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। हमें यहाँ पर गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे फ़ोन में जितनी भी जी मेल आई डी होंगी यहाँ पर सभी जी मेल आई डी आ जाएंगी। अब हमें जिस भी जी मेल आई डी को रिमूव करना है, हमें जिस भी जी मेल आई डी को अपने फ़ोन से हटाना है, लॉग आउट करना है, हमें उस जी मेल आई डी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं नीचे वाले जी मेल आई डी को रिमूव करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर नीचे वाले जी मेल आई डी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। हमें यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट दिखाई देंगे। किसी किसी फ़ोन में यहाँ पर नीचे थ्री डॉट दिखाई देते हैं तो आपको देख लेना, जहाँ पर आपको थ्री डॉट दिखाई दें आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिखेगा। हमें यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से पूछेगा रिमूव अकाउंट। हमें यहाँ पे फिर से रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देना है। रिमूव अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे फ़ोन से वो जी मेल आई डी यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर हमारी जी मेल आई डी रिमूव हुई है, सिर्फ हमारे फ़ोन से लॉग आउट हुई है। हम फिर से उसको लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन हमें उस जी मेल आई डी का पासवर्ड याद होना चाहिए। पासवर्ड डाल के फिर से जो है हम फिर से उसको लॉगिन कर सकते हैं किसी भी फोन में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपने फोन से जीमेल आईडी को रिमूव करके दिखा दिया है। इसी प्रकार से आप भी अपने फोन से जीमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं।